यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का सपना है कि 2030 तक भारत में जो भी रोड एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी संख्या सीधे स्ट्रेट अवे जीरो हो जाए। इस मिशन को साकार करने में अब यहाँ पर भारत और जापान दोनों मिलकर काफी तेजी से आगे बढ़ते जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट इन्होंने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की थी। यहाँ पर उन्होंने कहा था कि शार्प कर्व्स, पॉट होल्स, स्टीप ग्रेडियंट्स, ऐसे सब जो चीजें हैं वो काफी ज्यादा एक्सीडेंट प्रोन वाले इलाके हैं। काफी मुश्किल से यहाँ पर ड्राइवर्स को नेगोशिएट करना पड़ता है इन सभी डिफिकल्ट टेरेन और प्रॉब्लम से। इसके लिए काफी ज्यादा स्किल ड्राइवर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं कभी कभार। बट अनफॉर्चुनेटली अगर यहाँ पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया तो काफी बार ये एक्सीडेंट वाले इलाके एक मेजर लॉस ऑफ लाइफ बन जाता है। यहाँ पर इंडियन पार्लियामेंट में भी एक आंकड़े पेश किए गए थे जहाँ पर 2016 से लेके 2020 तक का डेटा बताया गया कि कितने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं ओनली बिकॉज ऑफ पॉट होल्स। बिकॉज भारत में पॉट होल्स की संख्या काफी ज्यादा है, स्पेशली अगर हम सिटी रोड्स को देखें वहां पर। और इसके चलते आप देख सकते हो 6,000-9,000 इतने सारे रोड एक्सीडेंट्स ऑलरेडी हो चुके हैं ओनली बिकॉज ऑफ पॉट होल्स। इन सब बातों को फाइनली एक काफी बेहतरीन सॉल्यूशन प्रोवाइड करने के लिए जापान और इंडिया ये दोनों रिसर्च टीम साथ में आ चुकी है। यहाँ पर अब ये स्मार्टफोन बेस्ड मैपिंग ऑफ रोड हेल्थ इस तरह के इनिशिएटिव पर काम कर रहे हैं। इससे होगा ये कि ये रोड में जो भी डैमेज रहते हैं इनको मॉनिटर करेंगे और फाइनली एक्सीडेंट को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पर काफी सारे सॉल्यूशन ये लोग देंगे। वैसे आपको बता दें कि ये जो प्रोजेक्ट है ये हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की और यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो इन दोनों के कोलैबोरेशन से किया जा रहा है ताकि एक अफोर्डेबल डिप्लॉयमेंट सॉल्यूशन हम प्रोवाइड कर सके। नाउ एक्सपर्ट टीम का यहाँ पर कहना है कि इस प्रोजेक्ट का मेन मकसद यही है कि जो रोड में डिफेक्ट्स है, एनोमलीज, पॉट होल्स, क्रैक्स, बम्स, चाहे कौन सी भी दरारें या कौन सी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो, इन सबको एनालाइज किया जाएगा डिजिटल अंदाज में। यहाँ पर IIT के प्रोफेसर जो कि सुपरवाइज कर रहे हैं इंडियन टीम को, तो इन्होंने भी कहा है कि रोड्स एक काफी इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट है हमारे देश के लिए। सोशियो इकोनॉमिक स्पेशली इससे काफी ज्यादा प्रभावित होता है और ये एक काफी वाइटल ट्रांसपोर्टेशन सर्विस भी प्रोवाइड कराता है पब्लिक को। और अगर हमें एक काफी सस्टेनेबल एफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन मोड चाहिए तो डेफिनेटली इसको साकार करने के लिए रोड को भी मेंटेन करना पड़ेगा रेगुलरली। ये भले ही एक काफी एग्जॉस्टिव प्रोसेस है, हमें काफी मॉनिटर करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, बट इस लेबर इंटेंसिव प्रोसेस को डिजिटल और आसान बनाने के लिए इस प्रोजेक्ट पर काफी ज्यादा अब काम कर किया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में हो ये रहा है कि ये डीप लर्निंग बेस्ड एल्गोरिथम्स का यूज कर रहे हैं जो ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर देता है किसी भी जो भी फ्लॉस है या कोई भी मेजर डैमेज या कोई भी पॉट होल है, इन सभी को ये एनालाइज कर लेता है बस एक फोटो के माध्यम से ही जो कि किसी भी स्मार्टफोन से क्लिक की गई हो। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना है। दरअसल अब यहाँ पर खुद सिटीजन से फोटो क्लिक करके इनके क्लाउड सर्वर पर अपलोड कर सकते हैं और फिर रोड एजेंसी ये डेटा को यूज करके बेहद ही एफिशिएंट मेंटेनेंस स्ट्रेटेजी अपनाएंगी। अभी तक देखें तो जापान में जो किया गया है ये इस तरह के प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन 31,000 इमेजेस क्लिक की गई है। और वहीं इंडिया की बात करें तो यहाँ पर भी वेरियस लोकेशन दिल्ली, गुरुगांव, हरियाणा, इन सभी जगहों पर भी काफी अच्छे ढंग से सर्वे कर लिया गया है। फर्दर यहाँ पर मशीन लर्निंग वाली एक रिसर्च टीम अलग से है। सो देखा जाए तो काफी अच्छी बात है टेक्नोलॉजी के माध्यम से अगर हम 2030 तक जीरो एक्सीडेंट के टारगेट तक पहुंच जाते हैं, अपने आप में ही एक काफी बड़ी जीत होने वाली है। इसके बारे में और ज्यादा डिटेल्स के लिए आप डिस्क्रिप्शन में कुछ आर्टिकल्स के लिंक चेकआउट कर सकते हो।